तो मीशो से मेरे दो पार्सल जो है वो मुझे अभी अभी रिसीव हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वेजिटेबल्स को रखने के लिए, सेग्रीगेट करके आप रख सकते हैं वेजिटेबल्स को फ्रिज में। तो ये चार इस तरीके से ड्रॉअर्स है, ये एक थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें आप सब्जी जो है वो आपकी अलग अलग यानी रख सकते हैं। तो ये चार ड्रॉअर्स मैंने मंगवाए मीशो से। ये तीन कंटेनर्स है कुछ इस तरीके से। दिस इज थर्ड वन। तो इसमें आप आपकी दालें वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी मैं वो सब काम करूंगी क्योंकि मेरे पास सभी चीजें जो है वो मुझे ऑर्गेनाइज करनी है। ये देखिए,
कर रही हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास जितने पैसे रहते हैं और जो जो चीज़ें अवेलेबल रहती है, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी रहती हूँ, मैं पूरे प्रॉपर पुना सिटी में नहीं रहती, एक थोड़े से गांव में रहती हूँ, यानी पुना में नहीं रहती सिटी में, तो मेरे पास जितने पैसे रहते हैं और मेरे गांव में जो चीज़ें मुझे मेरे लोकेशन पे अवेलेबल हो जाती है, उन चीज़ों से मैं मेरा ये किचन जो है वो थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और आपको भी थोड़ी सी आइडिया दे रही हूँ कि क्या कम से कम पैसे में आप कैसे अपने घर को सजा सकते हैं। मेरा तो बहुत ही छोटा सा किचन है जो आप देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे सजा रही हूँ। ऑलमोस्ट एक साल से मेरी कोशिश जो है वो चल रही है, धीरे 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 एक एक चीज़ में जैसे मेरे पास पैसे आते हैं तो तब लाती हूँ। और ये रूम जो है ये ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज की है, तो उसमें से ये एक पार्ट है, फ्रीज क्लीन किया है, ये कबर्ड में जो कंटेनर्स नए लाए उसमें मेरा सामान जो है वो रखा। तो पहले मेरे पास कंटेनर्स भी नहीं थे, एयर टाइट कंटेनर्स अभी लाए मैंने। तो पहले तो मैं कंपनी का काम करती थी, प्रोटीन के डब्बे हर्बल लाइफ के मेरे पास थे, तो उसी में मेरा सब सामान ग्रोसरी जो है वो रखती थी। अभी धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा सामान लेना चालू किया है और थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मॉड्यूलर किचन का सपना देखती हूँ, देखेंगे अच्छा सपना देखेंगे तो अच्छा अच्छा होता जाएगा, ऐसा मेरा एक बिलीफ है। कॉपर के एक कंटेनर में रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरा ये अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, आप देख सकते हैं ये मनी प्लांट जो है ये ग्रो हो रहा है। तो मैंने इसे अभी क्या किया, ये कांच की बॉटल में रखा था पहले, तो अभी मैंने ये इसमें ये कॉपर का हमारा जो बर्तन रहता है ना उसमें रखा है, और ये देखिए कितना क्यूट दिख रहा है अभी, है ना। मेरी YouTube की जर्नी जो है वो बहुत सालों से चालू है, यानी अब ऑलमोस्ट अभी दो साल से ऊपर जो है वो YouTube स्टार्ट करके हो गए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है और आप लोग लाइक भी नहीं करते, जस्ट देख के चले जाते। इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, मैं फोर्स नहीं करती, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, हर बार देखते हैं, तो एक लाइक ज़रूर चिपकाइए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलती हूँ आपको कल विथ अ न्यू वीडियो, बाय बाय।